हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस की लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जहां पर एक रिपोर्टर उस ड्रेस डिजाइनर से पूछता है, सो मिस प्रिया, आपने कैसे सोचा कि आप एक डिजाइनर बन सकती हैं? इस सवाल को सुनकर प्रिया अपनी आम से खास बनने की सारी यादें और मेहनत को सोचने लगती है और सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती है। प्रिया अपनी माँ गीता और पिता गौरव के साथ रहा करती थी। प्रिया छोटे घर में रहकर बड़े सपने देखने वाली लड़की थी, जिसको अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े पहनने का बहुत शौक था, पर आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। पर अपना शौक पूरा करने के लिए वो सेल से कपड़े खरीदती थी और उनमें अपने हाथ से कढ़ाई बुनाई करके सिंपल कपड़ों को भी हाईफाई लुक दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हे बेबे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी सुंदर दिखो। ये देखकर उसकी माँ गीता उससे बोलती है, बेटा ख्याली दुनिया से बाहर आ और कुछ खा ले, वरना ऐसे ही कॉलेज चली जाएगी। अरे माँ, ख्याली दुनिया को ना एक दिन सच कर दिखाएगी आपकी ये बेटी। इतना कहकर प्रिया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी दोस्त गरिमा के साथ मॉल जाती है, जहां प्रिया को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पसंद आती है और वो उसे खड़ी होकर निहारने लगती है। तभी गरिमा उससे बोलती है, अरे प्रिया देख, मॉल के बाहर सेल लगी है, चल वहां देखते हैं कपड़े। अरे हाँ चल। प्रिया और गरिमा दोनों बाहर लगी सेल में चली जाती हैं, जहां से प्रिया एक सिंपल ड्रेस खरीद ले आती है और फिर उस पर अपने हाथों का जादू चलाकर उसे ठीक वैसा ही ड्रेस बना देती है जैसा उन्होंने मॉल में देखा था, जिसके बाद वो उसे पहनकर अपने कॉलेज जाती है, जहां सभी लड़कियां उसकी ड्रेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उन सबके बीच खड़ी उसी की दोस्त नेहा उससे बोलती है, वाओ प्रिया, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कहां से ली तूने? ये तो मैंने मॉल से ली है। अच्छा नेहा, तुमको क्या लगता है कि ये ड्रेस कितने की होगी? यार मॉल से ली है तो कम से कम 10-15 हज़ार की तो होगी ना। सच तो ये है कि ये ड्रेस मैंने मॉल के बाहर लगी सेल में से ली थी और फिर उस पर अपने हाथों से काम किया और एक सिंपल सी ड्रेस को एक यूनिक लुक दे दिया। वाह यार क्या बात है, सच में तुझ में तो बहुत टैलेंट है यार, एक ड्रेस मेरे लिए भी डिजाइन कर देना। अरे मैं तो कहती हूँ तू इस टैलेंट को और निखार, तेरा बहुत नाम होगा। कुछ वक्त बीत जाता है और इसी तरह प्रिया सेल के कपड़े लाती है और उनको बेहद खूबसूरत रूप देकर अपने दोस्तों और बाकी लोगों को बेच दिया करती, जिससे उसके घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया की माँ गीता उससे बोलती है, देखा प्रिया बेटा, तेरे हाथों का हुनर कितना काम आ रहा है तुझे। पर बेटा। पर क्या माँ? बेटा तू सेल के कपड़ों का इस्तेमाल करती है ड्रेस बनाने में, और सेल के कपड़ों की क्वालिटी कितनी खराब होती है बेटा, मैं बस यही सोच रही थी कहीं तुझे इसकी वजह से आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और जिस बात का डर था वही होता है। कुछ समय में ही जो लोग प्रिया की ड्रेसेस की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग अब उसकी क्वालिटी को लेकर उसके बारे में बातें करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में नेहा प्रिया को देखकर उससे बोलती है, यार मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बड़ी बेईमान निकलेगी, डिजाइनर ड्रेस के नाम पर चीप क्वालिटी के कपड़े तू हमें दे रही है। जिस ड्रेस की क्वालिटी को आप चीप कह रही है ना मोहतरमा, वैसी ड्रेस पहनने का आप जैसी लड़कियां सपना देखती रहती है, जिसे मैंने आपके बहुत ही कम पैसों में आपको प्रोवाइड करवाया है। प्रिया की ड्रेस को लेकर कई बातें बनने लगी थी, जिसके बाद प्रिया से लोग उसकी ड्रेसेस लेना बंद कर चुके थे, लेकिन प्रिया हार मानने वाले लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी ड्रेसेस के लिए कभी भी चीप क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती थी, चाहे वो कपड़ा सेल का ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस कपड़े की क्वालिटी वो हमेशा अच्छी ही रखती थी। और यही बात वो लोगों को बताते हुए बोलती है, मेरी बनाई हुई हर ड्रेस का कपड़ा सस्ता और टिकाऊ है, मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, और अगर किसी की भी ड्रेस में 1% की भी कमी है तो वो लाकर मुझे दिखा दे, मैं उसके डबल पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी उससे सहमत हो जाते हैं और वापस से उसकी ड्रेसेस को खरीदना और उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और प्रिया के कॉलेज में फैशन शो होता है,
जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करती है और खुद का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर ही वो रैंप वॉक करती है। शो के चीफ गेस्ट जो कि एक बहुत ही बड़े डिजाइनर मनीष खुराना थे, उनकी नजर प्रिया के ड्रेस पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। शो खत्म होने के बाद मनीष जी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, हेलो मिस जी, माय नेम इज प्रिया। मिस प्रिया, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? आप मुझे उस जगह का एड्रेस दे सकती हैं? सर, एक्चुअली ये ड्रेस मैंने खुद डिजाइन की है। मनीष प्रिया के डिजाइन से बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो प्रिया को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, सीरियसली, आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है मिस प्रिया, क्योंकि जो लड़की सेल के कपड़ों को इतना सुंदर रूप दे सकती है और वो हमारे कपड़ों को कितना अच्छा डिजाइन दे सकती है, ये देखना चाहते हैं हम। श्योर सर, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। प्रिया अपने घर जाकर अपने माता पिता को इस सब के बारे में बताती है, जिसको सुनकर प्रिया की माँ गीता बोलती है, वाह मेरी बेटी, मुझे तुझ पे नाज है। अरे कुछ समय पहले तू सेल के कपड़ों से खुद को सजाती थी और अब मेरी बेटी महंगे डिजाइनर कपड़े पहना करेगी। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वाह जी वाह, अब बेटी किसकी है। कुछ समय में ही प्रिया के काम का नाम होने लगता है। मनीष के साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ ही समय में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद एक दिन मनीष प्रिया से कहता है, प्रिया देखो, अब तुम्हारा बहुत नाम हो गया है, तुम जो चाहती थी तुमने वो हासिल कर ही लिया है अब लगभग, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। पर क्यों मनीष, और मैंने अभी किया ही क्या है, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपना खुद का फैशन हाउस खोलना चाहती हूँ, फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? लेकिन प्रिया, मेरी फैमिली को एक सिंपल बहू चाहिए और अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो शायद मना कर देंगे हमारे रिश्ते के लिए। मनीष, जैसे तुम्हारे लिए मेरे सपने जरूरी नहीं है ना, वैसे ही मेरे लिए ये शादी जरूरी नहीं है। इस तरह उन दोनों में हुई तकरार के बाद कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, लेकिन मनीष प्रिया को खोना नहीं चाहता था और वो अपने घर वालों को प्रिया के बारे में सब बताते हुए उन्हें समझाता है कि उसको प्रिया से प्यार है और प्रिया को उसके सपनों से, जिसके बाद मनीष की खुशी के लिए उसके घर वाले प्रिया को अपना लेते हैं और मनीष प्रिया से मिलकर उसे ये खुशखबरी देते हुए कहता है, प्रिया घर वाले मान गए हैं, अब ना तो तुमको अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे और ना मुझे। सच मनीष, आई एम सो हैप्पी, और तुम्हें पता है मैंने अपने सपने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा कहकर प्रिया अपने सारे न्यू डिजाइन ड्रेसेस को मनीष को दिखाती है। प्रिया की ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसको देखकर मनीष प्रिया को इन्हें लॉन्च करने का आइडिया देता है, जिससे प्रिया का खुद का ब्रांड बनने और उसकी एक खुद की अलग पहचान और नाम बनने में बहुत मदद मिलेगी। जल्दी ही उसका ये काम पूरा हो जाता है और प्रिया की इस कामयाबी के बाद मनीष उससे कहता है, प्रिया तुम्हारा सपना पूरा हुआ, आज तुम एक टॉप ड्रेस डिजाइनर हो, तो क्या अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? मनीष प्रिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद प्रिया भी उसे हाँ कर देती है और कुछ ही समय के बाद दोनों परिवार वालों की सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया को एक बहुत बड़े फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। तो बस यही तक थी मेरी कहानी, जो आम से खास बनी। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि काम छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, बेईमानी हमेशा आपको असफलता ही देती है। इसीलिए दिल लगाकर अच्छे से मेहनत से काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए प्रिया अपनी पूरी कहानी सारी दुनिया को बताती है कि आखिर किस तरह उसने सेल में लगे कपड़ों से शुरुआत की और आज वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है। प्रिया की कहानी से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है, साथ ही इस सब के बाद प्रिया अपने काम और अपने परिवार के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार और पति के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।